सीरियली रिश्ता क्या कहलाता है में एक बार फिर से आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां सीरत हो गई है गिरफ्तार और जल्द ही मिलेगी एक और बुरी खबर। जी हां, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों सीरत मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। एक तरफ पति का खोना तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर का परिवार सीरत के दुख को और भी कुरेदने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। एक तरफ जहां रणवीर की मॉम यानी कि सीरत की सासू मां बेटे की मौत के बाद सीरत के साथ कर रही हैं बदतमीजी, तो वहीं सीरत को यह लगता है कि दुख की इस घड़ी में उसकी सासू मां की देखभाल करना ही उसका कर्तव्य है और वो सब कुछ कर रही है जो वो कर सकती है। वहीं सीरत को रणवीर का एक मैसेज भी आता है जिसमें वो उसे चैंपियनशिप जीतने के लिए कहता है, जिसे देखकर सीरत इमोशनल हो जाती है और फाइनली सीरत रणवीर की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती है। लेकिन सीरत की कहानी में आता है ट्विस्ट जब रणवीर के डैड नरेंद्र नाथ रणवीर के डॉक्टर से मिलकर उसकी रिपोर्ट में हेरफेर करने के लिए कहता है ताकि वो अदालत में कह सके कि उसके बेटे की मौत के पीछे सीरत का है हाथ। वहीं दूसरी तरफ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सीरत गोयनका हाउस में है और मौरी के साथ जा रही है, लेकिन तभी एक पुलिस वैन उसे गिरफ्तार करने के लिए आती है। दरअसल रणवीर के डैड नरेंद्र नाथ ने अपने पत्ते खेले और रणवीर की मौत के लिए सीरत को दोषी ठहराने में सफल रहे। वायरल हो रही खबर के साथ ही रणवीर की मां ने सीरत को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ टूट कर बिखर चुकी सीरत सड़कों पर बेसुध होकर चल रही है, जिसके बाद कार्तिक उसे ढूंढता है और उसे घर लेकर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गोयनका परिवार उसे अपने साथ रहने देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। कार्तिक सीरत के लिए घर वालों के साथ लड़ता है, लेकिन ये सब देखकर सीरत उसे कहती है कि वो मौरी के साथ चली जाएगी। और जैसे ही वो मौरी के साथ गोयनका परिवार से जा रही होती है, तभी सीरियल की कहानी में आता है ट्विस्ट जब रणवीर के डैड नरेंद्र नाथ द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के कारण एक पुलिस वैन उसे गिरफ्तार करने के लिए आती है। कार्तिक पुलिस वालों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सीरत होगी जेल में और उसे एक और बुरी खबर मिलेगी, क्या है वो बैड न्यूज और कैसे कार्तिक अब मदद करेगा सीरत का इस सिचुएशन से सीरत को बाहर लाने के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा।